गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। प्रश्नावली 2.1 हम 1.2 कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ना। अध्याय एक का प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.2 ये कर रहे थे। इसमें बहुत क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो चुका है, दो टाइप बचा है। एक बचा है ये जो मैं उतारा हूं, उदाहरण नंबर 5 में आपको मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1.2 में। ये क्वेश्चन है उदाहरण 5 और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताऊंगा, प्रश्नावली 1.2 खत्म हो जाएगा। बात समझे? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और ये 10th क्लास के बुक का है, आपको बनाना चाहिए नॉलेज बढ़ाने के लिए। बात समझिए क्या है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 5 पर आते हैं। संख्याओं 4 पर एन पर विचार कीजिए। किस पर विचार करना है? उदाहरण 5 बता रहा हूं। किस पर विचार करना है? 4 पर n, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? मतलब क्या है? यह सब कुछ भी होगा, प्राकृत संख्या ऐसे क्यों कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 चले जाएंगे, अनेक अनंत, ये सब क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। एन एक प्राकृत संख्या है, तब कहता है जांच कीजिए कि क्या एन का कोई ऐसा मान है, यानी कि एन का मान 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। एन का मान 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 4 × 4 बराबर 16। एन का मान 3 ले लीजिए, कितना हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4 64। फिर 4 पर n का मान कितना ले लो? 4। इस प्रकार हम कुछ ले 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहता है ये जो r है, जो भी संख्या प्राप्त हो रहा है, n एक प्राकृत संख्या, आप कहता है जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है। n का मान 1, 2, 3, 4 ऐसे हो रहा है ना, तो कहता है कोई ऐसा मान है जिसके लिए कि 4 पर वो n चढ़ा देंगे तो अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी कि इसका जो उत्तर निकलेगा लास्ट में 0 दिखे। जैसे यहाँ देखिए 1 ले लिए, 4 आया, अंक 4 पर समाप्त हो गया। 2 लिए 16 आया, अंक 6 पर समाप्त हुआ। 3 लिए तो 64 हो गया, अंक 4 पर समाप्त हुआ। कहता है n का कोई ऐसा मान होगा जिसका कि सरल करके निकालेंगे तो 0 पर समाप्त होने वाला संख्या निकल जाए। ऐसे आपको अंदाज लग रहा है निकलेगा ऐसा कोई संख्या? बात पहले समझ रहा है? क्वेश्चन समझे? चार पर n पर हमको विचार करना है। n है क्या? n एक प्राकृत संख्या है, मतलब n 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, उस पर विचार कीजिए। और कहता है n का कोई ऐसा मान है दुनिया में, कोई एक मान n का है जिसको 4 पर अगर लगा दें तो जो संख्या प्राप्त होगा 0 पर समाप्त होने वाली होगी। तो 4 पर 1 लिए तो 4 आया, 4 पर 2 लिए तो 16, 4 पर 3 लिए तो 64, 4 पर 5 लेंगे तो 4 × 4 × 4 × 4 चार बार करते हैं कितना हो जाएगा? 4 × 16 = 64 और 64 × 2 = 256। फिर 4 पर 5 ले लीजिए तो ये 5 बार लिखाएगा और गुना करके कितना हो जाएगा? 1024। फिर 4 पर 6 लीजिए तो हम देख रहे हैं किस पर समाप्त हो रहा है, 4 पर 6 पर, 4 पर 6 पर, 4 पर 6 पर, तो 0 पर समाप्त होगा कभी? तो ऐसे भी प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे और बता देंगे कि हम देख रहे हैं कि 4 पर एन का किसी भी मान के लिए ऐसा संख्या प्राप्त नहीं होगी जो 0 पर समाप्त होगी। 4, 5, 6, 7 उदाहरण देख के भी प्रूफ कर देंगे, प्रूफ कर दिए। इस प्रकार हम देख रहे हैं, एक बार विषम जब लेते हैं 4 पर समाप्त हो रहा है, सम लेते हैं 6 पर,
विषम लेते हैं तो चार पर, सम लेते हैं घात तो वह लिखेंगे, हम देख रहे हैं कि n का मान जब सम संख्या है, सम संख्या है, तब चार पर n बराबर क्या हो रहा है, किस पर समाप्त हो रहा है, छह पर। अंक छह पर समाप्त होने वाली संख्या प्राप्त होती है, कोई दिक्कत। फिर लिखेंगे जब हम देखते हैं ऐसा देखें, और फिर n बराबर जब विषम संख्या होता है तब विषम संख्या होने पर चार पर n जो है किस पर समाप्त होती है, अंक चार पर समाप्त होने वाली संख्या प्राप्त होती है। ये बात यहां लिख दीजिएगा, ठीक। अतः n का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए चार पर n का मान अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या प्राप्त होगी, कोई दिक्कत हो गया प्रूव। एक मेथड ये हुआ, एक मेथड समझ गए तो इस मेथड से बना देंगे आप। अब दूसरा मेथड जरा साफ कर लेता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी मेथड से बनाते हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या है, कोई प्राकृत संख्या है, मतलब n क्या है, n क्या है, एक है, दो है, तीन है, या कुछ भी है, प्राकृत में से कोई भी संख्या है। जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n, मतलब 6 पर n अगर कर देंगे, मतलब एक अगर n लेते हैं 6 पर 1 हो जाएगा, दो लेंगे तो 6 पर 2, तो वह कहता है शून्य पर समाप्त तो हो सकती है, जो भी कुछ मान प्राप्त होगा शून्य पर समाप्त तो होगा। तो हम सरल कर लेंगे, लिखेंगे ऐसे बनाएंगे, देखिए माना n बराबर 1, इसलिए 6 पर n का मान तब क्या हो जाएगा, 6 पर 1 अर्थात 6, n बराबर 2, या एक बार लिखिए n बराबर ऐसे लिखिए, रुकिए, n बराबर 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट बारी बारी से लेने पर, बस लेती एक ही बार दे दे भाषा एक ही बार में समेटा गया। अब 6 पर n अर्थात 6 पर 1 लेंगे 6 आ जाएगा, एवं 6 पर कितना लेंगे 6 पर n, n की जगह क्या ले लेंगे 2, तब क्या हो जाएगा 36 हो गया, एवं 6 पर 3 लीजिए क्या हो जाएगा, सॉरी 6 पर n का मान क्या लेंगे 6 पर 3 अर्थात 6 गुना 6 गुना 6, 6 4 के 36, 36 6 के 216, एवं 6 पर n अर्थात 6 पर 4, तब क्या होगा ये हो जाएगा, अच्छा 6 के 36, 6 के 6, 3 9, 6 2 12, 1296 हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, n का कोई भी मान ले रहे हैं तो 6 पर n का मान कितना समाप्त होती है, तब तो इसका और सीमित हो गया। लिखेंगे हम देख रहे हैं कि n का कोई भी मान लेते हैं या n का किसी भी मान के लिए 6 पर n का मान अंक 6 पर समाप्त होने वाली संख्या प्राप्त होती है, दिख रहा है ना, अतः अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या प्राप्त नहीं होगी, हो गया प्रूव्ड, समझ में आया। ये एक मेथड हुआ, इस मेथड से दोनों समझ गए, बन जाएगा इस मेथड से। अब मैं दूसरा मेथड बताता हूं, सेकेंड मेथड बताने के लिए एक छोटी सी चीज आप जान लीजिए कि अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या आप जीवन में किसको देखें, सबसे शुरू में दो शून्य पर समाप्त हो रहा है 10 है, इसके बाद कौन संख्या मिलता है जो शून्य पर समाप्त हो 20, इसके बाद इसके बाद चलते जाएगा इस तरह 100, 200, 400 अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है, फिर 110, 120, 130, फिर चलेंगे 200, 210, 220, 230, फिर 300, 310, 320, 400, 410, 420, 420, 520, 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
अब क्या है कि इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमको क्या दिखेगा, दो गुना पांच, पांच दिखा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो,
दो गुना दो गुना पाँच, इसका निकालो तीस का, पंद्रह तीन पचह यानी कि दो गुना तीन गुना पाँच, पाँच सब में दिखेगा, आप गौर करेंगे पाँच सब में दिखेगा। अंक शून्य पर समाप्त होने वाली जितने भी संख्या है उसका जब आवाज गुणन कर निकालेंगे तो उसमें कम से कम पाँच जरूर दिखेगा, पाँच भी दिखेगा और दो भी दिखेगा। बात समझे? Yes, दुनिया में कोई भी संख्या हो जो अंक शून्य पर समाप्त होती है, देखिए तो अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं का जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसमें हमको क्या दिख रहा है कॉमन? दो पांच, कम से कम एक ठो दो एक ठो पांच जरूर रहेगा। बात समझे? यानी दो भी रहेगा और पांच भी रहेगा, दोनों रहेगा। अगर दोनों है अभाज्य गुणनखंड में दोनों दिखाई पड़े तब निश्चित रूप से वह अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या है, और अगर अभाज्य गुणनखंड में दोनों नहीं दिखाई पड़े, एक ठो दिखाई पड़े ना, पांच नहीं दिखाई पड़े, केवल दो दिखाई पड़े, पांच नहीं दिखाई पड़े, या सिर्फ पांच दिखाई पड़े दो नहीं दिखाई पड़े, तो वह अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इससे आपको क्लियर हो गया? तो जरा से एक मिनट इसको साफ कर लो। अब उदाहरण पांच को हल करते हैं। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? टेक्निकल टीम पेन से कोई दिक्कत? 4 पर n बराबर हम लिख सकते हैं 4 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? और इस पर क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? n अब तो प्राकृत संख्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये एक होगा मतलब दो गुना दो एक बार है, अगर यहाँ दो है दो गुना दो दो बार लिखा जाएगा, अगर यहाँ तीन है तो दो गुना दो जो है क्या बार लिखाएगा? तो दो इन रहेगा, पांच कभी दिखेगा नहीं। देखो चार पर एन जो है, चार पर एन को हम लिख सकते हैं दो गुना दो पर एन, और एन क्या है? प्राकृत संख्या है। अर्थात यहां एन क्या है? एक दो तीन, यही सब ना है। तो इसको हम कह सकते हैं इस तरह कि चार पर एन में अभाज्य गुणनखंड से हमको पता चल रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में पांच कभी नहीं आएगा, पांच कभी नहीं आएगा, जबकि अंक शून्य पर समाप्त होने वाले संख्या के अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच दोनों आता है। इसीलिए चार पर एन अंक शून्य पर समाप्त होने वाले संख्या नहीं है, यानी एन का किसी भी मान के लिए, एन का किसी भी मान के लिए अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या प्राप्त नहीं होगी। एन पर 10 भी लेंगे तो क्या होगा? दो दो 10 बार लिखा जाएगा, और क्या होगा? दो 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 गुना दो क्या बार लिखा जाएगा? 10 बार। 50 लेंगे तो दो गुना दो क्या बार लिखा जाएगा? तो पांच कौन सा आएगा? पांच आएगा ही नहीं, समझ गए? लिखेंगे, देखिए भाषा हम कैसे लिख रहे हैं, इससे सीधे लिख देंगे, इससे, इनसे और इनसे, ठीक ना, इससे स्पष्ट पता चलता है कि n का किसी भी मान के लिए चार पर n का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ दो ही आएगा। क्या आएगा? एन का किसी भी मान, कोई भी मान रख के देखो, तब आज गुणनखंड में क्या आएगा? सिर्फ जबकि, अब थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जबकि अंक सॉरी जबकि संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है के अभाज्य गुणनखंड में
गुणन खंड में दो और पांच, दो और अवश्य, कैसे अवश्य होगा ना, जबकि संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य, के मीन्स इसके, ये जो विशेषण बता रहे हैं जो शून्य पर समाप्त हो रहे हैं, के अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच अवश्य होगा, अतः अतः चार पर n में n का किसी भी मान के लिए अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या प्राप्त क्या होगा? नहीं होगी, समझे? नहीं मतलब बोरिंग हो के नहीं, नहीं समझे तो फिर बताऊंगा, नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा। देखिए मैं क्या क्या आपको मैं कई उदाहरण पहले दिया, 10 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड, 30 का अभाज्य गुणनखंड किया करके आपको मैं दिखाया कि देखो अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या दिख रहा है। तो आपने देखा कि उसमें क्या क्या दिखा, दो चीज हमेशा देखा, कौन कौन दिखा? तो हम सीधे जानते हैं अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या होना चाहिए, जबकि चार पर एन में चार का अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है? एन का अर्थ हुआ कोई भी प्राकृतिक संख्या, तो इस पर कोई भी मान लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में क्या दिखेगा? केवल दो दिखेगा, नहीं दिखेगा? आप लेके देखिए, दो गुना दो पर 50 ले लीजिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? दो गुना दो एक बार, फिर दो गुना दो एक बार, फिर दो गुना दो एक बार, ऐसे करके 50 बार होगा, तो उसमें 5 दिखेगा कहीं? नहीं। तो वह तो हुआ कि इसमें सिर्फ दो दिख रहा है, इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, कारण समझे? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ, ये उदाहरण नंबर 5 बताया, क्वेश्चन नंबर 5 बताने के पहले जरा साफ करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मैंने n मतलब प्राकृत संख्या है, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n कितना शून्य पर समाप्त हो सकती है। लिखेंगे दिया है 6 पर n, कितना दिया है? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर n, और यहाँ n क्या है? 1, 2, 3, 4 है। अब इसमें कुछ भी रखिए, जब उसका खंडन करेंगे तो उसमें क्या क्या दिखेगा? 5 का भी दिखा? नहीं। तो लिखेंगे, इससे स्पष्ट पता चलता है कि n का किसी भी मान के लिए 6 पर n का अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 ही आएगा। क्या आएगा? 2 एवं 3, 2 एवं 3 ही आएगा, जबकि संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होगा या अवश्य आना चाहिए। 2 और 5 अवश्य आना चाहिए, तब नहीं आया, और जबकि नियम है अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या को अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आना चाहिए? अवश्य आना चाहिए, जबकि इसमें कभी नहीं आएगा, यह स्पष्ट पता चलने लगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, अब कितनों घात लेंगे? 2, 3, 2, 3 ही दिखेगा। 2 लेंगे 2, 3 गुना 2, 3 दो बार हो जाएगा, 3 लेंगे तो यही चीज 3 बार लिखाएगा, तो कभी 5 नहीं दिखेगा, दिखेगा? तो इसे लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे? 6 पर n में n का किसी भी मान के लिए अंक शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या प्राप्त नहीं होगी। जवाब से लग रहा है समझ रहे हैं बहुत बच्चे, कौन कौन समझे ईमानदारी से? तो जाइए, वाओ आई एम सक्सेस टीचर। ठीक, तो आगे क्वेश्चन ले सकता हूँ? ठीक, इसको साफ करो पूरा। क्वेश्चन कहाँ उतारे? 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी बुक में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एनसीईआरटी बुक, हमेशा ध्यान रखना हो। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 11 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों आया? इसका मतलब ये दोनों भाज्य संख्या है, ये क्या कहता है करने? व्याख्या आप कीजिए, व्याख्या कीजिए, क्या कीजिए? देखो हल पहले लिखो और बैल लो, दो हल,
हाल लिख दिए। यस सर। अब दूध बैल लोग जो लाके जोड़ो, एक बैल लाते हैं उधर से, सात गुना ग्यारह गुना तेरह प्लस तेरह है ना, है ना, इसको गुना कर देते हैं। और क्या करेंगे, गुना करके जोड़ के देखते हैं कैसी संख्या प्राप्त होती है। इतना बराबर हम लिख सकते हैं, अगर सते सतहत्तर को तेरह से गुना करो, तेरह सते इक्यानवे के एक हासिल ना, तेरह सते इक्यानवे, इक्यानवे नौ एक सौ, एक हजार एक, प्लस कितना है तेरह, कितना हो जाएगा ये एक हजार चौदह। तो सम संख्या भाज होता है, कब आज बाज्य होता है, दो दो को छोड़कर दुनिया में जितने भी सम संख्याएं हैं सब बाज्य है। तो ये लिखेंगे, ये दो दो के अतिरिक्त सम संख्या, इसलिए भाज्य संख्या है। दूसरा कंडीशन, इसको मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखा देता हूं। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, दस सौ चौदह बराबर, दस सौ चौदह का अभाज्य गुणनखंड निकालो, दो पंचे दस, एक तो छोटा पड़ जाएगा, दो अंक लेने के पहले एक जीरो लगेगा, लगता है ना, दो सते फिर ये कटेगा, तीन से कट रहा है, तीन एक है कितना बचा दो, बीस बन गया, तीन छा के अठारह, कितना बचा दो, सत्ताईस बन गया, तीन नमा तेरह, तेरह एक छो नौ हो गया, दो गुना तीन गुना तेरह गुना तेरह, तो भाज्य नहीं हो गया, भाज्य गुणनखंड जब निकल गया, वो भाज्य गुणनखंड निकला तो भाज्य भाज्य था, तभी तो भाज्य गुणनखंड निकल गया। लिखेंगे अतः, अतः सात गुना ग्यारह गुना तेरह प्लस तेरह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य गुणनखंड निकल गया। क्या लिखेंगे, अतः सात गुना ग्यारह गुना तेरह प्लस तेरह क्या है, एक भाज्य संख्या है। समझ गए, पुनः पुनः एक ठो और है बैल पड़ा हुआ, लाओ इसको उठा के, कितना है, सात गुना छ पाँच चार तीन दो एक प्लस पाँच, तो इसको भी गुना करके जोड़ते हैं, क्या होगा, देखो एक दूनी दो तिया छ, चौके चौबीस, बैल से नहीं, छ चौके चौबीस, पंचे एक सौ बीस, एक सौ बीस छके सात सौ बीस, सात सौ बीस सते नहीं जन चली खीत में, सात सौ बीस सते जीरो, सात ने चौदह के चार हासिल एक, सते उनचास, उनचास एक पचास, पचास सौ चालीस, कितना हो गया पचास सौ चालीस, और प्लस कितना है पाँच, कितना हो जाएगा पचास सौ पैंतालीस। अब दुनिया का कोई संख्या जो पाँच या जीरो पर समाप्त हो, पाँच से जरूर कटेगा, किससे कटेगा, इतनी साझ रखने के लिए तक ये रूल पढ़ लो, ये पढ़े चौथा पचवा दूसरा पहला में, तो इतने इतने जब थे तब भी ये रूल मिला था कि जिस संख्या के इकाई अंक पर जीरो हो, पुत्तू पढ़ा था ना इतना समय, हाँ तो जिसके इकाई अंक पर जीरो हो या पाँच हो, वह किससे कटेगा, पाँच से कटेगा ही। तो अतः ये पाँच से विभाजित है, एक ठो चीज़ तो दी गया हमको सांप की पाँच से कटने वाला है, तो भाज्य संख्या हो गया। दूसरा हम भाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं ना, अब खाली एक ठो डालो, अब डाल के क्या करेंगे, पचास सौ पैंतालीस बराबर, अब आज गुणनखंड का सरल तरीका, सरल तरीका, पाँच से कटेगा ही, पाँच एक हैं जीरो, पाँच जीरो हाँ फिर पाँच नामा पैंतालीस, दो अंक एक बार कटने के पहले क्या देना पड़ेगा जीरो, पाँच नामा ये बात बुझे, तो दिख तो गया, एक को खंड हो गया तो मुमकिन नहीं भी करेंगे चलेगा, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, हाँ खंड हो गया ना, तो इसका मतलब पाँच से भी कटेगा, एक हजार नौ से भी कटेगा, तो हो गया भाग, अतः अतः सात गुण है छ गुण है पाँच गुण है चार गुण है तीन गुण है दो गुण है एक और प्लस पाँच एक भाज्य संख्या है। समझ गए, जरा सर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, देखिए ये पूरा बोर्ड जो है खेल का मैदान है, क्या पूरा बोर्ड खेल का मैदान है, प्रियंशु के नानी घर के बगल में एक मैदान है जो कि आयताकार है, उस पर एक ठो वृत्ताकार क्या है रोड बना हुआ है, वृत्ताकार क्या है
पथ बना हुआ है। अब इस पे क्या करता है? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सैनिया कौन? सोनिया। अब देखो यहाँ एक लड़की है सोनिया, को 18 मीटर लगता है। कितना लगता है? 18 मीटर लगता है। मिनट 18 मिनट लगता। कहाँ है रे आसिफ, किसी दुनिया में खो गया क्या? एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना लग रहा है? 18 मिनट। उसके बाद जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। अब देखो रवि कोई राक्षस है और इसको कितना लग रहा है? 12 मिनट। सोनिया कोई राक्षसी है, इसको कितना लग रहा है? 18 मिनट। एक राक्षस एक राक्षसी ने इस रोड पर दौड़ना चालू किया। पहला राक्षसीन कौन है? दूसरा राक्षस कौन है? रवि। सोनिया को कितना लगा और रवि को कितना लगा? 12 मिनट। तो कौन तेज दौड़ता होगा? रवि। अब होता क्या है, मान लीजिए वह दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर आरंभ चलना पड़ा। 12 बजे दोनों दौड़ना चालू कर दिया, मार दिया निच्छा दरवट यहाँ से। क्या क्या मार दिया? निच्छा दरवट दोनों। कौन कौन? सोनिया और रवि दौड़ गया। तो पहले कौन आ जाएगा? पहले रवि आ जाएगा और दौड़ते रहेगा। फिर कहता है दोनों कब एक जगह मिलेगा? क्वेश्चन समझे? है सुनो, क्वेश्चन समझो, बड़ी मार्मिक क्वेश्चन है। अब तू बैठ जा, क्वेश्चन यही होगा, निश्चित होगा, ये बाद में मिला लेना। दोनों एक बार फिर कब मिलेगा? दोनों एक समय दौड़ना चालू कर गया, कर दिया, कभी कर दिया, 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब मन हुआ दोनों राक्षस राक्षसी दौड़ गया। कहां से दौड़ा? इस बिंदु से, ए बिंदु से। क्या किया दोनों? दौड़ गया। और एक को लगता है 12 मिनट एक चक्कर लगाने में, एक को 18 मिनट, वो लेजी होगी, ठीक ना? ये लड़की कैसी होगी? लेजी। थोड़ा कम समय लगता है, ये मोटी उटी होगी, और लड़का थोड़ा पतला होगा, ये थोड़ा तेजी से दौड़ गया। तो लड़का को कितना समय लग गया? लड़की को तो चक्कर लगा रहा, दे रहा चक्कर। क्या होगा देखिए, एक चक्कर सोनिया के लिए, सोनिया के लिए 18 18 दुनी 36 18 54 18 चौके। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, ऐसे चलते रहेगा। रवि को लो, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। कभी ऐसा लगता है कि जब ये दो चक्कर होगा तो इसका तब तक कितना हो जाएगा? और तीनों एक ही जगह ना मिल जाएगा? बात समझे, दोनों एक ही जगह मिल जाएगा ना। सोनिया का दो चक्कर, जैसे दो चक्कर पूरा होगा रवि क्या कर देगा, तब तक तीन चक्कर मारेगा, दोनों फिर एक ही जगह आ जाएगा। बात समझे? तो सबसे पहले दोनों का लोवेस्ट, सबसे शुरू का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात दोनों का क्या करना था? एलसीएम निकाल देना, दोनों का क्या कर देना, तो पता चल जाएगा। समझ में आया? क्यों एलसीएम निकाले समझे? क्योंकि ये देख ही रहे, इससे भी पता चल रहा है कि दो चक्कर इसका पूरा होगा, इसका तीन चक्कर पूरा हो जाएगा और दोनों एक ही जगह आ जाएगा, क्योंकि 36 मिनट में वही काम हो जाएगा इसका ना। तो ये राक्षस जो है ज्यादा तेजी से दौड़ा, तीन चक्कर पूरा हो गया 36 मिनट में, और राक्षसीन धीरे धीरे दौड़ रही थी, दो चक्कर पूरा हुआ, ठीक ना। तो लेकिन समय कितना में दोनों मिल जाएगा फिर लिखेंगे, दोनों का एलसीएम निकालने पर, और 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिएगा, जितना भी निकलेगा बराबर हो जाएगा 36। लिखेंगे अतः 36 मिनट में पुनः दोनों मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इति पादुका वियोगोपाख्यान समाप्तम, और मैं नेक्स्ट डे मिलूंगा, ठीक। थैंक यू सर।